व्हाट आर द स्टेप्स टू राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पिछले वाले में तो हमने क्या किया, जस्ट टू टू लिख दिया, मुझे मालूम था इसलिए मैंने लिख दिया, आपको समझ में नहीं आया होगा, ऊपर से निकल गया होगा। सो लेट्स लर्न कि मैंने कैसे किया, सेम वे यू हैव टू डू। सो उसके लिए करते हैं, वी विल टेक अवर एक्टिविटी नंबर थ्री। याद है ना एक्टिविटी नंबर थ्री क्या किया था हमने, जिंक के कैनुअल्स में लिए थे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, एज अ रिजल्ट वो रिएक्शन स्टार्ट हुआ, उससे हाइड्रोजन गैस जनरेट हुई जो बाहर आने लगी, और हमने जब इसको टच किया था इट वॉज वट वॉज टेम्परेचर हैज गॉन स्लाइटली अप, हमको ये थोड़ा वार्म फील हुआ था, हल्का सा गुनगुना गर्म महसूस हुआ था। तो इसको लिखते हैं केमिकल इक्वेशन फॉर्म में, तो पहले सिंपल लिखते हैं, व्हाट इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, तो लेट्स राइट। सो व्हाट वी राइट, वी टुक जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, हमने ये सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है, जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिखते हैं तो उसमें हमने पहले पानी मिलाया हुआ है, तो हम वो यहाँ नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी से कुछ नहीं हो रहा होता, तो इसलिए खाली हम क्या लेंगे, वी विल राइट सल्फ्यूरिक एसिड। ये चीज़ याद रखना, ये कन्फ्यूजन बहुत बार हो सकता है, बट टेक्निकली यू आर राइट कि मैंने पानी मिला दिया सल्फ्यूरिक एसिड में, तो सल्फ्यूरिक एसिड में पानी का कोई रिएक्शन नहीं हुआ। एक्चुअली जब आप पानी मिला देते हैं तो बस वो डाइल्यूट हो जाता है, पानी वट पानी नॉर्मली इट इज़ अ इनर्ट थिंग, पानी को आप कितना भी पी लो कितना भी पी लो, पीते हैं ना हम लोग नॉर्मली, तो हमारे को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, प्यास बुझ जाती है बस, राइट। तो पानी बहुत इनर्ट होता है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्रिक एसिड चेंज नहीं होती, बस उसकी इंटेंसिटी ऑफ कि आपको बर्न करे या किसी चीज़ को जलाए वो थोड़ी कम हो जाती है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना, इसलिए वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। तो हमने जिंक जिंक कैनवस मिक्स में हमने जिंक लिया, जिंक मेटल लिया, उसमें क्या किया, किसमें डाला उसको, सल्फ्रिक एसिड के साथ मिलाया, मिलाने के बाद क्या किया, जो रिजल्ट आए तो उसमें एरो लगाते हैं, और फिर वी विल राइट क्या प्रोड्यूस हुआ, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट जब होता है तो बनाता है जिंक सल्फेट, प्लस क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकली इसमें से, गैस निकली, और क्या हुआ था, हमको थोड़ा गर्म लगा था तो हीट भी प्रोड्यूस हुई। तो वैन एवर, तो वट वी हैव रिटर्न, वी हैव रिटर्न द वर्ड इक्वेशन ऑफ द एक्टिविटी नंबर थ्री, जो मैं अभी आपको इतना कहानी सुना रहा था उसको हमने ऐसे लिख दिया, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्टेड इन टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। तो मैं वैसे स्टोरी फॉर्म में सुनाऊँ या सिंपल ऐसे लिखूँ, दोनों का मतलब एक। सो नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन, अब इससे हमको क्या बनाना है, स्केलेटन इक्वेशन, तो अल्टीमेट एम वही है। सो राइट रेट्स राइट द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर दिस थिंग, तो हम क्या यूज करेंगे, केमिकल फॉर्मूलाज, तो राइट इट डाउन। तो वी हैव जिंक का जेडन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या लिखते हैं, एस टू एस ओ फोर, तो प्लस एस टू एस ओ फोर, एरो तो एरो ही रहेगा, जिंक सल्फेट क्या बन जाता है, जेड एन एस ओ फोर, तो राइट जेड एन एस ओ, हाइड्रोजन एस टू, हीट नॉर्मली हम हीट को, और हाइड्रोजन क्या फॉर्म में थे, गैस फॉर्म में थी, तो नॉर्मली वी राइट गैस, और जी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस क्या प्रोड्यूस हुई थी, हीट। तो हीट का बहुत बार आप देखोगे ऐसा सिंबल भी यूज किया जाता है, और यू कैन राइट हीट एच ई ए टी, तो ट्राइंगल मीन्स इज हीट, प्लस हीट मीन्स इधर हम प्लस लिख रहे हैं, दैट मीन्स जब प्रोडक्ट जो बन रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट, तो यह जब प्रोडक्ट साइड में लिखा है तो हीट मीन्स प्रोड्यूस हो रही है। यदि मैं इधर प्लस हीट लिखता, लेफ्ट में भी लिख सकता था बाबा, इसका मतलब मैं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मैं क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, तब ये बन रहा है, ये क्लियर है। तो हीट राइट में लिखी है तो प्रोड्यूस हो रही है, और इधर है तो मीन्स मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। एंड नाउ वट वी आर लर्निंग इज हाउ टू राइट द स्टेप्स टू राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको वर्ड इक्वेशन में लिखा, उस वर्ड को हमें स्केलेटन में लिखा, एंड नाउ वी हैव टू सी कि वेदर इट इज अ बैलेंस इक्वेशन और नॉट। तो कैसे लिखते हैं कि जो भी एटम्स लिए, जो भी एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ लिख लिया, तो जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, जिंक हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, ऐसे लिखा। फिर ये लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स यहाँ लिखेंगे, और जो राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट साइड में है उनको हम यहाँ पे उनके नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे। तो देखो जिंक का यहाँ कितना है, वन, हाइड्रोजन कितना है, टू, सल्फर का कितना है, वन, ऑक्सीजन का फोर, दैट इज व्हाट वी हैव रिटन। अब राइट साइड में लिखते हैं, राइट हैंड साइड मीन्स प्रोडक्ट साइड, जिंक कितना है देखो, वन, सल्फर कितना है, वन, ऑक्सीजन कितना है, फोर, और हाइड्रोजन कितना है, टू, तो देखो वन टू फोर, और इनको आप यदि ये मैच कराओगे देखो बिल्कुल बराबर है। सो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी अ बैलेंस इक्वेशन, लेट्स टेक अनदर इक्वेशन। तो इसमें तो हम बैलेंस करना नहीं सीख पाए, बट एटलीस्ट चल इतना तो जान गए कि सेम चीज को जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, हाउ टू राइट इन अ वर्ड इक्वेशन, और उसको कैसे स्केलेटन इक्वेशन में करते हैं, और कैसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस है ये पहले से, ये हम यहाँ पे एटम्स को यदि मैच करा के देख लिया तो अंडरस्टूड है कि बैलेंस ही है। अब एक ऐसी इक्वेशन लेते हैं जो कि अनबैलेंस है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
एफ ई प्लस एस टू ओ मीन्स आयरन प्लस वाटर को हमने ऐड किया, उससे प्रोड्यूस क्या हुआ एरो के फॉर्म में, मीन्स राइट हैंड साइड में क्या प्रोड्यूस हुआ, एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एस टू, ये चीज़ प्रोड्यूस हुई। इज इट अ बैलेंस? नहीं, देखो यहाँ ऑक्सीजन फोर है, यहाँ वन है, आयरन यहाँ थ्री है, यहाँ वन है, दैट मीन्स इट इज अनबैलेंस। तो वी हैव टू, वट वी हैव टू डू, वी हैव टू बैलेंस इट, बैलेंस करना जरूरी है। ऐसे ही लिख देंगे तो क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मार्क्स फॉलो नहीं हो रहा है, फॉलो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये आपको टीचर उसके मार्क्स नहीं देगा, ये तो आपने गलत लिख दिया, केमिकल इक्वेशन ठीक से नहीं लिखा, और या केमिकल इक्वेशन ठीक से नहीं लिखी, प्लीज़ राइट इट डाउन। अब एक चीज़ याद रखो, ये आयरन जो होता है ना बड़ा टिपिकल चीज़ होती है, हमने वैलेंसी पढ़ा था, आयरन सी, आयरन की वैलेंसी दो होती है, दो पढ़ी थी कम से कम। बट आयरन जो होता है ना जब भी पानी के साथ रिएक्ट करता है, आयरन विद वाटर, सो इट इज़ बेसिकली वट इज़ फॉर्मिंग, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। पर ये आयरन ऑक्साइड ना क्योंकि वैलेंसी जो है इसकी अलग, वैलेंसी मतलब क्या था, कितने इलेक्ट्रॉन ले दे सकता है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ एन एटम और एन एलिमेंट, राइट। तो आयरन की देखेंगे तो क्या होती है, आयरन सिंपल आयरन ऑक्साइड ऐसे ही बना सकता है, फेरस ऑक्साइड इसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। पर ये यदि मैं आयरन वर्ड यूज करूँ तो आई कैन से ऑल आर आयरन ऑक्साइड। क्यों है ऐसी, इनकी वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट होती है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी टू प्लस है, जी मीन्स दो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर चुका है, या ये दो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ऐसे समझ लो, ये तीन इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये चार ले सकता है, दैट इज वाई इट इज फॉर्मिंग दीज टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जस्ट इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, बट ऑलवेज कीप इन माइंड, ये आपको एक सोचने के लिए, आप थोड़ा और पढ़ना चाहते हो तो इंटरनेट से आप पढ़ सकते हो। सो नाउ द इक्वेशन वी हैव टेकन इज कि आयरन को पानी के साथ मिलाया तो फिर उसमें आयरन ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन बन गई, और इस इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है। सो लेट्स डू इट, क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे, यदि ये इक्वेशन आप सीख गए बैलेंस करना तो आप कोई भी इक्वेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर पाएंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है इसमें, पहला स्टेप ये होता है कि जितने भी ये हमको दिए हुए हैं रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनको ऐसे ना स्क्वायर से उनको कवर कर लो, पेंसिल से या पेन से कर लो, ठीक है। इस करने से क्या हो रहा है कि बस ये बोलना है कि इस बॉक्स के अंदर जो कुछ है ना, अब हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे लेफ्ट साइड में कुछ भी, तो वो नंबर क्या होगा, इस पूरे बॉक्स से मल्टीप्लाई होगा, खाली वो हाइड्रोजन से नहीं होगा। यदि मैंने 5 लिख दिया कि 5H2O लिख दिया, दैट मीन्स खाली हाइड्रोजन 5 नहीं, वो ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस बॉक्स का मतलब ये है, पहली चीज़। तो आपको ना कैलकुलेशन करने में, काउंट करने में गलती नहीं होगी, इसलिए हम ये स्क्वायर लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेप नंबर 1। नाउ व्हाट इज द स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 वेरी सिंपल, हमको क्या करना है, बैलेंस करने के लिए काउंट ही करना है। किसको काउंट करना है, लेफ्ट हैंड साइड के जो एटम्स हैं वो राइट हैंड साइड के एटम्स के बराबर होंगे। तो यहाँ के एटम्स क्या हैं, आयरन है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, तीन तरह के एलिमेंट या एटम्स हैं। नंबर ऑफ एटम्स यहाँ कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, आयरन कितना है 1, हाइड्रोजन देखो 2 है, ऑक्सीजन क्या है 1। अब राइट हैंड साइड में देखो, आयरन यदि मैं लिखूंगा सबसे पहले आयरन ही है 3, ऑक्सीजन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 2, इतना ही है। तो हमको सेकेंड स्टेप में क्या लिखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स कौन कौन से कितने कितने हैं, राइट हैंड साइड में कितने हैं, उनको ऐसे लिखना होता है। नेक्स्ट स्टेप इज 3। स्टेप 3 इज कि फाइंड आउट, क्या करना है आपको, स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। आपको इस पूरी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में देखो या राइट हैंड साइड में देखो, किसी भी साइड में देखो, बेसिकली इन पूरे नंबरों में देखो तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, लेफ्ट या राइट, इट डजंट मैटर कि लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है। तो देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है आपको, कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं, ये है 4। 4 मीन्स किसके हैं, ऑक्सीजन के हाइएस्ट एटम्स हैं, कहाँ पे हैं, राइट हैंड साइड में, वो ये रहे देखो, यही है, ओके। तो यह थर्ड स्टेप आइडेंटिफाई हो गया, तो हाइएस्ट नंबर ऑफ एटम मिल गए, क्योंकि हम बैलेंस ही करते हैं सबसे ज़्यादा जिसके, हम पहले उसको बैलेंस करते हैं, जिसकी ताकत ज़्यादा उसको पहले समझा लो, वो समझ गया, शांति हो जाएगी। तो दैट इज एग्जैक्टली वट वी आर डूइंग, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो पहले इसी को बैलेंस करो। तो हमारे राइट हैंड साइड में कितने हैं, 4 एलिमेंट्स, तो स्टेप नंबर 4 में कहेंगे इन्हीं को बैलेंस करेंगे। तो अब ऑक्सीजन एटम देखो, इनिशियली क्या है हमारे पास, 1 ये है और 4 ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 4 है, तो राइट हैंड साइड रिएक्टेंट में 1 है, और 1 किसके साथ में है, वाटर के साथ में, इन वाटर। यहाँ 4 किसके साथ में है, ये फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 के साथ में। अब इन दोनों को बैलेंस करना है क्या, तो इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो लेट्स बैलेंस करने के लिए 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को क्या कर दिया, मैं क्या करूँगा 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये कर दिया।
तो यहाँ फोर तो फोर आ जाएगा, ये भी फोर, तो फोर फोर मीन्स इस साइड में को क्या करना है, इसको फोर कर देना है, सॉरी वाटर के साथ क्या करना है, मेरे को फोर से मल्टीप्लाई करना है, तो पहली फोर है, तो यहाँ मैंने हमने क्या किया फोर लिख दिया। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में फोर हाइड्रोजन, फोर हाइड्रोजन क्या किस चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं हम, देखो ऑक्सीजन को यही कर रहे हैं। तो अब ऑक्सीजन कितना होगा इस ब्लॉक से मल्टीप्लाई होगा, देखो फोर ऑक्सीजन हो गए, इधर कितने हैं फोर, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या हो गया बैलेंस। नाउ स्टेप नंबर फोर, स्टेप नंबर फोर क्या है कि अब कौन कौन से एलिमेंट रह गए, ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस, बचा क्या आयरन एंड हाइड्रोजन। अब इन दोनों के अंदर हमको ये देखना है कि ये दोनों अभी स्टिल अनबैलेंस है, और इसमें किसको बैलेंस करेंगे हम, पहले पहले केस में क्या देखो हमें बस कहते हैं आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीन तरह के एटम्स हैं, हमने किसको स्टार्ट किया था जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स हैं वो राइट में होंगे लेफ्ट में, तो सेम रूल। अब बाकी कितने बचे दो, अब इन दोनों में क्या करेंगे किसके हाईएस्ट हैं, आयरन और हाइड्रोजन में देखो यहाँ से मत देखो, मैं यहाँ थ्री और टू देखेंगे दिस इज रॉन्ग, क्यों रॉन्ग है क्योंकि अब हम यहाँ ऊपर देखो फोर ऐड कर चुके हैं, यदि हम फोर ऐड चुके हैं तो हाइड्रोजन के कितने गए फोर टू ज एट, तो हाइड्रोजन जो पहले कितने थे हाइड्रोजन के टू ही थे, इधर भी टू थे इधर भी टू थे, बैलेंस था। अब क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड में कितने हो गए एट, दैट मीन्स किसको मेरे को पहले बैलेंस करना है आयरन हाइड्रोजन में थे, आई हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन। तो एग्जैक्टली जैसे हमने ये स्टेप में लिखा है तो वैसे ही लिखेंगे यहाँ पे। तो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इनिशियली कितने थे देखो हमारे पास, अब इनिशियल लिखो, इनिशियल कितने हैं यहाँ वाले नहीं, अब जो हमने ये फोर लिखने के बाद, तो फोर टू ज़ा एट है, किस पे हम में फोर एट इन फोर एस टू, एट किस में इन फोर एस टू, चार वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर एट हाइड्रोजन आइटम्स हैं। अब राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में कितने हैं दो हाइड्रोजन आइटम है इन हाइड्रोजन, तो टू इन एस टू। क्या किया था हमने ऊपर एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, देखो ये एट है ये टू है, तो मुझे इसको इसको एट तो एट ही रहेगा, तो टू को मुझे एट कर सकता हूँ, टू को कितने से मल्टीप्लाई करना हूँ टू फोर जो टू इंटू फोर एट हो जाएगा। तो मीन्स क्या करूँगा मैं किस कहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के उसमें, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा टॉप में यहाँ फोर लिख दूंगा, तो नॉट इस फोर। सो देखो ये हाइड्रोजन के तो फोर टू जै एट और लेफ्ट हैंड साइड कितना एट, तो मैंने ऑक्सीजन भी बैलेंस कर लिया और हाइड्रोजन भी बैलेंस कर लिया। अब क्या बचा ओनली थिंग इज आयरन इज लेफ्ट, तो अब मैं आयरन को बैलेंस कर सकता हूँ, सो लेट्स डू द थर्ड थिंग। फिफ्थ ऐसे जो बचा है उसको बैलेंस करो, तो बैलेंस किसका बचा आयरन, आयरन यहाँ देखो राइट हैंड साइड में कितने थ्री, इधर कितने हैं वन, तो मैं क्या कर लूँगा थ्री से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो नाउ दिस इक्वेशन हमारी सारे एलिमेंट बैलेंस हो गए। सो लेट सी एंड चेक री चेक इट, दैट इज द सिक्स्थ स्टेप। जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसको रीचेक करना जरूरी होता है, नहीं तो ना गलती होने के चांसेस रहते हैं, जो मैंने आपको इतना ऊपर नीचे समझाया गलती हो सकती है, कुछ चीज़ आप समझे हो ना समझो, तो उसके लिए बैलेंसिंग को हमको चेक करना होता है। तो आप शांति से इसको चेक कर लेते हैं, सो थ्री आयरन है थ्री आयरन है, फोर टू जै एट ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन, फोर टू जै एट हाइड्रोजन, फोर ऑक्सीजन और इधर फोर ऑक्सीजन, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स राइट हैंड साइड के एटम्स के बराबर हो गए, दैट मीन्स एटम्स बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का मास और राइट हैंड साइड का मास बराबर है। तो दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। अब ये भी मेथड जो हमने किया कि हिट एंड ट्रायल से किया, कभी टू से मल्टीप्लाई किया कभी थ्री से किया, यही किया ना, कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं है। तो आपको बैलेंसिंग कैसे करनी होती है, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। और हिट एंड ट्रायल आप कब सीख पाओगे, क्रिकेट में होता है ना, जब तक सीखोगे नहीं हिट नहीं करोगे तो मारना ही नहीं सीखोगे, दैट मीन्स विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट लर्न, दो इट इज़ अ हिट एंड ट्रायल, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं कर सकते आप, प्लीज़ डू द प्रैक्टिस बिकॉज इट इज़ अ हिट एंड ट्रायल मैथड। जितने भी आपको इक्वेशन मिलते हैं डिफरेंट, आज की डेट में तो अच्छा आपके पास इंटरनेट है, कोई भी इक्वेशन ले लो किसी भी क्लास की हो, एम ए की हो, बी एस सी ना बी ए की हो, पी एच डी स्टूडेंट की हो, यू कैन डू द बैलेंसिंग। और जब आप हिट एंड ट्रायल से बार बार करेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। इतना करने के बाद नाउ इक्वेशन इज केमिकली बैलेंस, यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब थोड़ा सा और इसको ना कॉस्मेटिक्स टच देते हैं, कॉस्मेटिक्स मतलब थोड़ा सा सुंदरता बढ़ाते हैं। तो हम इसको ना क्या करते हैं कि इसके इनके साथ इनकी फिजिकल स्टेट भी लिख देते हैं, इससे क्या होगा कि आपके लिए ईजी हो जाएगा कि हमने जो चीज़ें मिलाई वो किस फॉर्म में थी। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट्स हमने पढ़ी है, मालूम ही हमको तीन तरह के स्टेट होती हैं, सॉलिड लिक्विड या गैस, एक और इनके सिंबल होते हैं, सॉलिड को हम इसमें जब लिखेंगे एस लिखेंगे ब्रैकेट में, लिक्विड को स्मॉल एल और गैस को स्मॉल जी,
और एक और भी स्टेट होती है केमिस्ट्री के अंदर, दैट इज कॉल्ड एक्यूअस, उसको लिखा जाता है ए क्यू। एक्यूअस मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारे पास पानी बहुत अवेलेबल है, और जैसे हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बनाया था, जब भी हम किसी चीज़ को, वो द रिएक्टर हो या प्रोडक्ट हो, इज प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन इन वाटर, मीन्स पानी के अंदर यदि किसी चीज़ को मिला हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं एक्यूअस। ठीक है, तो उसका सिंबल क्या लिखेंगे, ए क्यू। अब आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, आपको ये क्लियर हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। नाउ हमको इन सिंबल्स को यूज करना है, कहाँ लगाना है, इस जो इक्वेशन हमने अभी बैलेंस किया उसमें लिखना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट दिस वे। आयरन तो मालूम था, आयरन तो सॉलिड ही था, राइट? तो आयरन को सॉलिड लिखो, तो क्या लिखोगे, आयरन सॉलिड ही था, लिक्विड तो होता नहीं, कभी देखा आपने आयरन लिक्विड? हो सकता है किसी ने देखा हो, कहाँ? यदि आप स्टील प्लांट में जाओगे, जहाँ आयरन मेकिंग हो रही होती है, आयरन हम बना रहे होते हैं पहली बार, तो आप 1420 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको लिक्विड फॉर्म में दिखेगा। बट नॉर्मल पर्सन के लिए डे टू डे लाइफ में, इन योर लैब और एनी वेयर आउटसाइड दैट कंपनी, यू विल फाइंड ऑलवेज आयरन इन सॉलिड फॉर्म। तो इसको एस लिखेंगे, तो 4S2। अब हम ब्लॉक देखो हटा देना है, तो हम क्या लिख रहे हैं, 4S2 ऐसे लिख रहे हैं। और पानी क्या होता है, हमने गैस लिखा। हमने गैस क्यों लिखा, क्योंकि ये देखो मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, ये फोटो समझ में आ रहा है क्या? ये कोई स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर देखो बहुत सारे चैनल लगे हुए हैं, और ये सब में क्या हो गया, देखो कोरोजन हो गया। कोरोजन मतलब जंग लग गई। तो इस आयरन पर पानी के अंदर तो डूबा नहीं था, ये तो हवा में, तो स्टेडियम में नहीं लगा हुआ, इसमें जंग क्यों लग गई? क्योंकि पानी कहाँ होता है, हवा के अंदर भी मॉइस्चर होती है, बोलते ना पानी के अंदर भाप है, बादलों में भाप होती है, भाप मतलब क्या है, मॉइस्चर, एवोपरेशन होता है पानी का, वो वेपर बन जाता है, दैट मीन्स इट इज इन गैसियस स्टेट। दैट इज वाई वी आर सेइंग कि आयरन जो होता है, जब गैसियस स्टेट वाटर के टच में आता है, वैसे आयरन का जो ब्रिज होते हैं, कुछ का ब्रिज का हिस्सा कुछ पानी में भी होता है, यदि वो पानी में होता है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, लिक्विड फॉर्म है, तो आयरन लिक्विड से भी रिएक्ट करता है, आयरन सॉलिड गैसियस आयरन मतलब गैसियस वाटर से भी आयरन रिएक्ट करता है, तो दोनों तरह से जंग लग जाती है, कैसे भी कर लो। तो इन दिस पर्टिकुलर केस वी आर राइटिंग जी, एस भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? पर जी हम इसलिए रखना है कि हम मान के चल रहे हैं कि ये आयरन का स्ट्रक्चर हवा में है। अब क्या बनेगा, जंग लगती है तो देखो ये क्या बना, पाउडर टाइम का निकलता है, ब्राउन ब्राउन कलर का पाउडर गिरता है, तो सॉलिड होता है, तो आयरन क्या वो पाउडर है, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 सॉलिड है। प्लस जब ये आयरन ने तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये बना लिया, तो बचा क्या था, पानी का पार्ट हाइड्रोजन, तो बेचारा वो अकेला क्या करता है, वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म में उड़ जाता है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या है, यदि मैं इसको क्लोज एनवायरनमेंट में रखूँ शीशे के अंदर कुछ सालों तक, तो आप देखोगे कमरा किससे भर जाएगा, हाइड्रोजन गैस से धीरे धीरे भर जाएगा, और जो कमरे की जो ऑक्सीजन गैस होगी जो हमने डाली थी इनिशियली, जो भी होगी उसमें मॉइस्चर फॉर्म में, वो सारी क्या कन्वर्ट हो जाएगी, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट, रस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो आयरन के साथ ऑक्सीजन मिलकर रस्ट बना दिया और हाइड्रोजन गैस कमरे में भर गई। तो ये एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ये कमरे में नहीं है, स्ट्रक्चर ओपन में, तो हाइड्रोजन गैस जो है गैसियस फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है। सो दिस इज अनदर थिंग्स व्हाट वी हैव डन, कि बैलेंस इक्वेशन के अंदर हमने उनकी फिजिकल स्टेट भी लिख दी। अब एट थिंग एक और भी होती है। एट थिंग क्या होती है कि हमने देखा था ना एरो के ऊपर, अभी हम लिख रहे थे कि हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, तो मीन्स हीट लिख रहे थे, गर्म किया, तो हम यहाँ लिखते हैं वो चीज़ें लिखते हैं कि किसके प्रेजेंस में, और मतलब ये किस आयरन और ये मॉइस्चर रिएक्ट हो रहा है, तो कोई हम कोई सनलाइट हो नहीं हो, जंग तो लगती रहती है, तो कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है। बट इफ़ देर इज़ अ स्पेशल कंडीशन वी राइट दोज कंडीशन, तो उनको रिएक्शन जो है किस कंडीशन के बीच में आ रहा है, वो स्पेशल कंडीशन क्या है। स्पेशल कंडीशन टेम्परेचर हो सकता है, मीन्स हीट गर्म या ठंडा कोल्ड में भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो टेम्परेचर कितना है, राइट? टेम्परेचर ज़्यादा है तो बोलते हैं गर्म है, ठंड कम है तो मीन्स ठंडा है, नेगेटिव में चला गया था। प्रेशर, कुछ चीज़ें बिना प्रेशर के रिएक्ट ही नहीं होती हैं, तो वी राइट कि कितना प्रेशर है, किस कितने प्रेशर में ये दोनों चीज़ें रिएक्ट करेंगी, तो वी राइट एरो के ऊपर के लिखते हैं प्रेशर वो कंडीशन। या वो कैटलिस्ट, मीन्स उनके बिना यदि वो चीज़ नहीं होती तो ये रिएक्शन होता ही नहीं, वो क्या चीज़ है, तो वो उसको भी कहाँ लिखा जाता है, एरो के ऊपर। तो एग्जाम्पल इस वाले में तो नहीं है, पर एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस होती है, वो यदि हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी, वो तभी रिएक्ट करेंगी जब उनको ना इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मीन्स उसको एक चैम्बर के अंदर डाला जाएगा। नॉर्मल हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, सी लेवल पे 1 atmosphere स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP पर 1 ही होता है, और यहाँ कितने बोलना है, उससे 340 times ज़्यादा,
मीन्स दो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को प्रेशराइज चैम्बर में भरेंगे तभी जाके वो रिएक्ट होंगी और ये पर्टिकुलर चीज बनाएगा CH3OH। और किस फॉर्म में बनेगा? वो लिक्विड फॉर्म में। तो ये दोनों गैसेस रिएक्ट होंगी, उसके लिए हमको क्या चाहिए? वो स्पेशल कंडीशन, प्रेशर चाहिए। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, इसे और क्लियर होगा आपको। 6CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में है। वो किससे रिएक्ट कर रही है? पानी के साथ, H2O। 12 कितने एटम्स हैं उसके? मॉलिक्यूल्स हैं 12 मॉलिक्यूल्स। और क्या कंडीशन है? कि सनलाइट होनी चाहिए और क्लोरोफिल प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये क्या रिएक्शन हो रहा है? उससे प्रोड्यूस क्या हो रहा है? देखो, उससे प्रोड्यूस हो रहा है, इसको बोलते हैं C6H12O6। क्या होता है? ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, प्लस वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब यदि इसको आपको याद आ रहा है इससे, तो क्या है? बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस हो रही है। पेड़ के अंदर पानी होता है, कहाँ से आता है? जड़ों से पानी आ जाता है, पत्तों में। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ लेते हैं? पत्ते हवा से लेते हैं। तो हवा पत्तों के अंदर छेद होते हैं, लीव्स के अंदर स्मॉल स्मॉल होल्स, उन होल से वो कार्बन डाइऑक्साइड को सक करते हैं। अंदर उसमें पहले से पानी प्रेजेंट है, जड़ों से पानी आ गया पत्तों में। पत्तों का कलर हरा होता है, उसमें एक क्लोरोफिल एक एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का। तो ये ग्रीन कलर का पिगमेंट हो, पानी हो और कार्बन डाइऑक्साइड हो, और इन तीनों के प्रेजेंस के साथ साथ सनलाइट मिल जाए, तो क्या होगा? ग्लूकोज बनने लगेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ग्लूकोज तो बनेगा, वो पेड़ ले लेता है ऑक्सीजन, वो निकाल देता है गैस फॉर्म में। ठीक है, एक्वियस फॉर्म में मीन्स उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर मिली हुआ होता है, मीन्स लिक्विड है तो पानी में, और ये मॉइस्चर मॉइस्चर फॉर्म में पानी देखे। इसलिए क्या होता है, आप देखेंगे ना, पेड़ जब थोड़ी सी धूप आती है और यदि पहाड़ी एरिया में स्पेशल देखे, तो उसमें से ना ऐसा लगता है भाप निकल रही है पेड़ों से। क्यों लगता है? क्योंकि दे आर लूजिंग ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ वाटर वेपर। तो इसलिए वही ऑक्वियस एक्वियस फॉर्म में होता है। माइक्रो लेवल में जाओगे तो ऑक्सीजन पानी में घुली हुई है, तो पानी का मॉलिक्यूल जब भाप बन के उड़ रहा है तो अपने साथ क्या ले जा रहा है? ऑक्सीजन ले जा रहा है। और ये पानी कहाँ से मिल रहा है? ये पानी जो जड़ों से पेड़ पी रहे हैं। पानी क्यों उड़ रहा है? क्योंकि सनलाइट में उसको हीट मिल गई, वो इसलिए उड़ गया। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है पिगमेंट के साथ क्या हुई? रिएक्ट हो गई। तो इस रिएक्शन को, फोटोसिंथेसिस को होने के लिए स्पेशल कंडीशन चाहिए थी। क्या कंडीशन चाहिए थी? सनलाइट होना जरूरी है। दैट मीन्स यदि सनलाइट नहीं होगी तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ये स्पेशल कंडीशन होगी, रात में नहीं होती, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होता, इसलिए सनलाइट दिन में होता है। और यदि पेड़ के अंदर ये क्लोरोफिल के पिगमेंट्स यदि नहीं है तब भी ये रिएक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स इस रिएक्शन को, सनलाइट है, पानी है, पेड़ के पत्ते, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं, और ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो क्लोरोफिल क्या चीज हुई इस केस के अंदर? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इट वर्क्स एज अ कैटलिस्ट। इसकी होने की वजह से ये रिएक्शन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन, पानी के साथ सनलाइट जब होगी फास्ट होगा, एकदम एकदम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्टार्ट करने के लिए क्लोरोफिल चाहिए, बिना उसके ये रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड ये रिएक्शन रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ग्लूकोज बनेगा ही नहीं। क्लियर? तो इस तरीके से हम पूरी एक केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं, बैलेंसिंग करना सीख गए। उसके अंदर हमने उनकी स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स लिख दी, और उनकी यदि कोई स्पेशल कंडीशन है तो हम उसको एरो के ऊपर लिख देते हैं। नॉर्मली एरो के जो ऊपर वाला जो लिखा रह जाता है वो कंडीशन होती है, और जो नीचे वाला होता है वो कैटलिस्ट होता है। यहाँ तक क्लियर? थैंक यू।